हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपनी कार में जो स्टीरियो सिस्टम है वो मैं लगवा चुका हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का, भाइयों का ये एक कमेंट आया था कि प्लीज़ अपनी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड कराओ, ताकि हम भी उसका एक फीडबैक जान सकें और हम भी अपनी गाड़ी में कुछ आने वाले टाइम में अपनी गाड़ी में या तो नया इंस्टॉल करवा सकें जिनकी गाड़ी में इंस्टॉल नहीं है ऑलरेडी, या कुछ हम अपना एक अपग्रेड करा सकें अपनी कार में, राइट। तो मैंने फाइनली अपनी कार में जो है ये सिस्टम अपग्रेड करा चुका हूँ आफ्टर सो मैनी मंथ्स, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो सिस्टम मैंने लगवाया है ना, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है सोनी का सिंगल डिन स्टीरियो, ठीक है। तो अब ये जो मैंने सिस्टम लगवाया है ये सोनी का है, प्लस जो मैंने स्पीकर्स लगवाए हैं अपनी कार के अंदर, फ्रंट के जो डोर्स आते हैं उसमें वो स्पीकर्स जो हैं वो भी मैंने जो लगवाए हैं वो सोनी के लगवाए हैं, ठीक है। तो प्लस कहने का मतलब क्या हो गया कि स्टीरियो प्लस स्पीकर, ये जो तो कॉम्बिनेशन है ये मेरा जो हो चुका है, ये सोनी का मैंने प्रीफर किया है। और ये जो मैंने सिस्टम लगवाया है सोनी का, ये मैंने डायरेक्ट MGA प्रोडक्ट लगवाया है। MGA मतलब मारुति जेन्युइन एसेसरीज का ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है, कोई आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट नहीं लगवाया। देखो, एक बाहर से ना लगवाने का रीज़न क्या है कि मेरी जो कार है वो CNG कार है, ठीक है। और CNG कार में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ बाहर से कोई सिस्टम या कुछ भी चीज़ अपग्रेड कराने का, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। अगर आप लोगों का कुछ अपनी, पर देखो हर बंदे की अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है, आप लगवा सकते हो, कोई मना नहीं है। ये जो चीज़ मिल रही है यहाँ भी वही सेम है, बाहर जो मिल रही है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ को प्रीफर करते हैं, आफ्टर मार्केट को या आपकी जो जेन्युइन प्रोडक्ट है उसको आप जो प्रीफर करते हैं, राइट। या सोनी क्यों चूज़ किया, ठीक है। देखो, जब मैं गया था ना यहाँ पे, एक तो मेरे को सोनी का ऑप्शन मिला था, दूसरा मेरे को मिला था पायनियर का, ठीक है। और अब एक वहां पे मैंने उनसे बोला था कि अगर आपके पास कोई कार है जिसके अंदर ये ऑलरेडी इनबिल्ट है सिस्टम आपने लगवाया, तो आप मेरे को अगर आप टेस्ट करा सकें तो मेरे लिए थोड़ा ठीक रहेगा एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए, राइट। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ऑडियो टेस्ट का मैं एक आपको आंसर दूंगा, लेकिन रिकमेंड ये होगा कि जब आप इस ऑडियो टेस्ट को या इस वीडियो को देखें ना, जब मैं इसमें म्यूजिक प्ले करूंगा, आप हेडफोन जरूर अपना जो है वो लगा लें, क्योंकि देखो मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है, आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं नोट कर पाएंगे अगर आप नॉर्मल एक ऑडियो क्वालिटी इस मोबाइल के स्पीकर में सुनेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आप तब महसूस कर पाएंगे, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपने हेडफोन लगाओगे ना तो आपको एक क्लियर, एक थोड़ा सा एक आपको एक अनुमान लग जाएगा कि नहीं, एक ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है केबिन के अंदर, वो भी अल्टो के अंदर, ठीक है। अभी ये मैं ड्राइवर सीट पे बैठा था, अब मैं आपको सुनाता हूँ लेफ्ट साइड पे बैठ के कैसा एक्सपीरियंस आता है, राइट। अब मैं पीछे आपको रियर सीट पे बैठ के बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस आएगा।
तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डेमो मैंने आपको दिया है कि कैसे आप अगर लेफ्ट में बैठेंगे या राइट में बैठेंगे या पीछे रियर सीट पर अगर बैठ के म्यूजिक का एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको कैसा है इसके सोनी का जो मैंने सिस्टम लगवाया है कैसा आप फील करेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।